देखिए यहाँ पर सब्सक्राइब का लाल बटन बेल आइकन में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो की सूचना प्राप्त होती रहे। आज जो एक बैंक के बारे में बात करेंगे जिस स्टॉक का उसका नाम है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो जनरली ये भी आम बैंकों की तरह रिटेल में है, रिटेल लोन्स देती है, होलसेल बैंकिंग और पर्सनल बैंकिंग है, इंश्योरेंस में है। तो जिस तरीके के सभी बैंक हैं वैसे ये भी काम करती है और इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करती है। अब आगे बढ़ते हैं कि आज किस भाव पे ट्रेड कर रहा है, ये देख लेते हैं एग्जैक्ट नाम। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड सेक्टर फाइनेंस का जनरल बैंकिंग में है। मई 10, 2019 1:41 और 643 रुपये के भाव पे ट्रेड कर रहा है। 12.80 रुपये की अपसाइड BSE पे, जो इसका एक साल का लो था 500 रुपये और हाई बनाया था इसने 745 करीब, 1.5 साढ़े 700। और 100% लोग कह रहे हैं कि इसको बाई कीजिए। मार्केट कैप है इसका 18,776 करोड़ के। EPS है 13.06 के 13.06 रुपये, क्योंकि PE है इसके 49.81 और बुक वैल्यू 90.72, प्राइस टू बुक है 7.08। इंडस्ट्री है इसकी, इंडस्ट्री PE है 31.71 और डिलीवरेबल है 58.52 और फेस वैल्यू अभी भी 10 की है। करीब 1-1.5 साल पहले लिस्ट हुई है 2017 के एंड में, संभवतः ये लिस्ट हुई है, इसकी लिस्टिंग हुई है। और यहाँ पे देखिए बैलेंस शीट पे हम डेट नहीं देखेंगे क्योंकि बैंक ऑलरेडी पैसे लेके पैसे आगे देती हैं, इससे इंटरेस्ट में जो कमाई होती है तो ये होती है। देखिए जून 2018 में जो 600 करोड़ की थी वहीं सितंबर 2018 में हो गई 683 करोड़ की, लगातार ग्रोथ है। और दिसंबर 2018 में भी 788 करोड़ की और मार्च 2019 में भी 876 करोड़ की कंटिन्यूसली क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रोथ है इंटरेस्ट अर्निंग में। सीधे हम चलते हैं स्किप करके नेट प्रॉफिट में, तो यहाँ पे देखिए 76 करोड़ 82 लाख की जो जून 2018 में तो इनकी नेट प्रॉफिट थी, वहीं सितंबर 2018 में हो गई 91 करोड़ 42 लाख की और दिसंबर 2018 में 95 करोड़ 33 लाख की। और सीधे मार्च क्वार्टर के क्वार्टर 4 के जो मार्च 2019 के हैं फाइनेंशियल ईयर 19 के जो प्रॉफिट है वो 118 करोड़ 24 लाख। तो कंटिन्यूस देखिए यहाँ पे नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ है। सॉरी, तो जिस कंपनी में जिस बैंक में लगातार से इंटरेस्ट अर्निंग में ग्रोथ है, उनके नेट प्रॉफिट में ग्रोथ है, तो ऑब्वियसली उसका प्रीमियम तो भागेगा ही। और अच्छी बैंक है, मैं तो कहूँगा कि जैसे लोग अभी बहुत लोगों का ध्यान आकर्षित है यस बैंक की तरफ, IDFC फर्स्ट बैंक की तरफ, HDFC बैंक की तरफ, नो डाउट HDFC बैंक तो बहुत ही दिग्गज कंपनी बैंक है, और कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI, उसी प्रकार से ये भी रिटेल पे है और नई बैंक है। तो इस वजह से मैंने कहा कि चलो अपने सब्सक्राइबर्स को, अपने दोस्तों को थोड़ा सा इसके तरफ भी ध्यान आकर्षित कराता हूँ ताकि जिनको इंटरेस्ट हो इस बैंक में, जिस जिनको इंटरेस्ट हो इसकी बैंक की ग्रोथ में लगातार, वो चाहें तो इस पर अपनी अपने हिसाब से, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के हिसाब से मशवरा करके इसमें ख़रीदारी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी। और सबसे बड़ी बात है कि इसकी पहले प्रमोटर्स की होल्डिंग में हम चलते हैं तो नॉन इंस्टीट्यूशनल यानी प्रमोटर्स के पास 32.19% की होल्डिंग है और 6.56% इन्होंने प्लेज किए हुए हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड्स के 16 स्कीम्स 10.92% की होल्डिंग है और FIIs फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं 131 है और इनकी ज़बरदस्त 23.76% की होल्डिंग है। तो 23 करीब 24% के आसपास इनकी होल्डिंग है। तो फॉरेनर्स वाकई बहुत ध्यान दे के ही किसी बैंक में या किसी कंपनी में अपना पैसा लगाते हैं और इसमें अनवरत ग्रोथ है। देखिए FIIs ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ की हुई है दिसंबर 2018 के मुकाबले मार्च 2019 में 1.37% के यहाँ पर, और म्यूचुअल फंड्स ने भी इंक्रीज़ की है। तो एक बेहतरीन बैंक, गुड क्वालिटी की बैंक है और फाइनेंशियल ट्रेंड भी देख लेते हैं, ऑफकोर्स वेरी पॉजिटिव है। रिटर्न्स ये एक साल के दिखा रहे हैं क्योंकि हाईली में लिस्टेड हुई है, तो एक साल में करीब 9% के आसपास नेगेटिव में है जिन्होंने पैसे लगाए थे, लेकिन ईयर टिल डेट में जिन्होंने पैसे लगाए थे उनको 3.28% के रिटर्न है। 6 मंथ में 16.54% के ज़बरदस्त रिटर्न है, 3 मंथ्स में 9.21 के रिटर्न है, 1 मंथ में भी करीब 10% के आसपास का रिटर्न है, 1 वीक और 1 डे में भी पॉजिटिव है, ग्रीन में है। तो फ्रेंड्स इस बैंक के बारे में मुझे बताना था आपको और इस तरफ भी आप ध्यान आकर्षित करिए। अगर आपको लगता है तो इसमें थोड़ा सा गिरावट अगर किसी कारणवश आती है, जैसे कि अभी आजकल लगातार पिछले एक हफ्ते से आज थोड़ा सा मार्केट पॉजिटिव है, हरे में दिख रहा है,
लेकिन पिछले वीक से लगातार मंडे से गिरावट चल रही थी। देखिए 50 पैसे पर शेयर के हिसाब से उन्होंने 2018 में दिया था डिविडेंड, और आगे भी देते रहेंगे ऐसी उम्मीद की जा रही है। और 11वें नंबर पे है, प्राइवेट बैंक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है तो आप इस बैंक की तरफ भी ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जुड़े बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।